आप देख रहे हैं अपना समाचार। बड़ा इत्तेफाक है कि जब मैं पहली फिल्म किया था हम लोगों ने बिन तेरे वो साथी रे, तो ना मैं उसको जानता था ना वो मुझे जानती थी। और वो फिल्म करने के बाद एक फिल्म उसके बाद ही लुटेरे हम लोगों ने किया था, तो लुटेरे की सारी कास्टिंग इवन ऋतु भी फाइनल हो चुकी थी, वो कर रही थी, मैं लास्ट में उसमें उस फिल्म में आ गया। और राजू जी ने मुझे बोला कि ये फिल्म करना, और मुझे पता नहीं था किसके अपोजिट कौन कर रहा है। तो उस फिल्म में भी इत्तेफाक से हम दोनों साथ में आ गए। उसके बाद उसके तुरंत बाद जिगर आ गई, तो जिगर का भी वही इत्तेफाक था कि दिनेश जी की बहन बनी थी और मेरे अपोजिट आ गई। तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ऐसा लगने लगा कि भाई ये लोग को लेके करते हैं। तो काफ़ी फिल्म हो गई। अभी राजू जी लुटेरे में हम दोनों को साथ में देखे थे, तो उन्होंने बोला नहीं तुम दोनों का जोड़ी अच्छा लगता है स्क्रीन पे, तो ऐसा वैसा, तो हम तुम दोनों को ही लेके फिल्म करेंगे। अब वो वंश बना डाले फिर, तो ऐसे करके हुआ, सब इत्तेफाक से, किसी कोई चाहा नहीं कि ये हो। मैं खुद नहीं पता था कि मैं राजू जी के साथ काम कर रहा हूँ, किसके साथ काम कर रहा हूँ, और किसके साथ ज़्यादा फिल्म हो रहा है, किसके साथ कम फिल्म हो रहा है। और ऐसे देखा जाए 2019 में पूनम जी के साथ मैंने 4 फिल्में की, और काजल राघवानी के साथ 1 फिल्म की, और काजल यादव जी के साथ किया, तो किया मैंने, मतलब सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ काउंट किया जाए तो मतलब ऋतु के साथ ज़्यादा हो गया।